अदा पल न्यूज से मैं आपके साथ मोहम्मद खान। आज हम जिस खबर को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए जुड़े हैं उस खबर पर यकीन कर पाना शायद मुश्किल होगा लेकिन ना चाहते हुए भी हम लोगों को उस पर यकीन करना पड़ेगा क्योंकि कुदरती करिश में हम लोगों के सामने कई तरीके के आते रहते हैं जिस पर साइंटिस्ट भी मना कर देते हैं कि इन पर विश्वास करना नामुमकिन सा हो जाता है कई किस्से और कहानियां हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं चाहे अजमेर के ढाई दिन झोपड़े से जुड़े हो या अमराहा में बिच्छू वाले मजार से जुड़ी हुई हो इसी तरीके का एक मामला हम लोगों के सामने मलेशिया से आया है जहां पर लोगों ने उस चीज को सच बताया है उन लोगों ने इस चीज पर अपनी दलील दी है कि ये बात वाकई में सच है एक बार उस खबर पर आप लोग नजर डाल दीजिए क्या जिन्नात या जिन नाम की कोई चीज होती है क्या जिन के अंदर इतनी शक्ति होती है अगर जिन होते हैं तो वो हमें क्यों नहीं दिखते हैं ये कोई अफवाह नहीं बल्कि वो सच है जिसको इस्लाम के अलावा कोई और नहीं मानता क्योंकि मॉडर्न लोग इसे एक बेबुनियादी बात बता देते हैं ताकि उनके कारोबार में कमी आ जाएगी लेकिन ये जो आलीशान मस्जिद आप देख रहे हैं ये किसी देव्य शक्ति के बिना बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है क्योंकि मस्जिद में लगाए गए ऐसे ऐसे पत्थर हैं जिनका वजन दो क्वंटल से लेकर पाँच क्वटल है और इन भारी पत्थरों को उठाकर तीस फीट की ऊंचाई की दीवार बनाना नामुमकिन है मस्जिद तिबान मलंग मलेशिया में स्थित वे मस्जिद है जिसे जिन्नातों ने एक रात में बना दिया था ये मस्जिद मलेशिया के मलंग शहर ईस्ट जावा में स्थित है ऐसा कहा जाता है कि मस्जिद को जिन नातों ने सिर्फ एक रात में बना दिया था और यह वाक्य उन्नीस में हुआ था उन्नीस को बीते अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जिन लोगों के सामने ये मस्जिद बनी थी वो आज भी मौजूद हैं पूरा इलाका जानता है कि ये मस्जिद एलियंस ने बनाई थी इसके बनाने के पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है ये जांच का विषय है मस्जिद की खूबसूरती आप देख सकते हैं जबकि वहाँ के रहने वाले लोग कहते हैं कि इसे बनाने में किसी आर्किटेक्ट की मदद नहीं ली गई थी वैसे ये एक हमेशा से चर्चा का विषय है कि इसे जिन्नातों की फ़ौज ने बनाया है लेकिन उस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मस्जिद सिर्फ़ एक रात में ही बनकर तैयार हो गई थी जी हाँ जैसा कि आप मस्जिद के ये लेआउट, और तरह तरह के व्यू देखकर ही ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मस्जिद कोई साधारण मस्जिद नहीं है बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य ज़रूर छिपा हुआ है स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि जब हम लोग सुबह सोकर उठे तो ये मस्जिद बनी हुई मिली मस्जिद में की गई नक्काशियाँ भी ये बता रही हैं कि कोई साधारण बिल्डिंग नहीं है बल्कि इसका इंटीरियर और अवतार किसी अच्छे आर्किटेक्चर का भी नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोगों का लगता है मस्जिद इतनी खूबसूरत है कि जो बंदा इसमें फ़जर की नमाज पढ़ने जाता है वो इशा की नमाज़ पढ़कर ही निकलता है इस मस्जिद का पुर सुकून माहौल आपको इस मस्जिद में ठहरने के लिए मना लेगा और आप शांति को देख कर यही कहोगे कि काश मैं सारी जिंदगी इसी मस्जिद में झाड़ू लगाता रहूं लोगों ने बताया कि नमाज पढ़ने के लिए जाने वाले लोगों को इस मस्जिद में इतना आराम मिलता है कि नींद के झोंके आने लगते हैं ये मस्जिद देखकर ही साफ जाहिर हो रहा है कि ये किसी आर्किटेक्चर का काम नहीं बल्कि इसके पीछे कोई कुदरती ताकत है इस मस्जिद से पहले भी कई मस्जिद हमने देखी जिनको जिन्नातों ने तामीर करवाया है गंगा किनारे यूपी के ज़िला बुलंदशहर का एक गांव, जिसका नाम आहार है वहां भी एक 250 साल पुरानी मस्जिद बताई जाती है जिसे रातों रात जिन्नातों ने तैयार किया था मैं ख़ुद उस मस्जिद में गया हूं काफ़ी पुरानी उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का चांस नहीं बन पाया या यूं कहिए कि अल्लाह ने उस मस्जिद में हमारे कबूल ना करने थे आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे इस मस्जिद का यही ना कि इतनी अच्छी कारीगरी और नक्काशी दुनिया में नहीं मिलती है मेरठ का एक मशहूर स्थान है जिसे शाह पीर गेट नाम से जाना जाता है शाह पीर गेट दरगाह के लिए काफी मशहूर भी है कहा जाता है कि एक बार मस्जिद की किल्लत हुई तो जिन्नातों ने शाह पीर की दरगाह पर मस्जिद की चिनाई चालू कर दी कहते हैं कि जब आखिर में तामीर का गुम्बद पर काम चल रहा था सिर्फ गुम्बद का आखिरी टोप तामीर होने से बच गया था जैसे ही फज्र की अज़ान की आवाज़ आई जिन्नातों ने जो काम जैसा था वैसा ही छोड़कर गायब हो गए आज भी उस हॉल से बरसात का पानी टपकता है जो अधूरा बना हिस्सा जिन्नात छोड़ कर गए थे तो दोस्तों आपने देखा कि इतनी शानदार मस्जिद जो कि रातों रात तैयार कर दी गई लोग सो रहे थे जब सोकर वो रात को सुबह में उठते हैं तो वो पाते हैं कि एक मस्जिद तैयार है वो भी इतनी आलीशान मस्जिद कि लोग अगर फजर की नमाज पढ़ने जाएं तो ईशा की नमाज पढ़कर ही निमटते हैं तो इसी तरह की और खबरों के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए देखते रहिए पलपल न्यूज